Assalamu alaikum, aspirants. I'm Arujan from 49th Common is here. I hope you will be in good health. आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को एंड इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर ग्रामर सीरीज. हम देखते हैं कि फोर काइंड्स कंडीशनल सेंटेंसेस की क्या होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई शर्त रखते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है. एंड वेन वी आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम उर्दू सेंटेंस टू इंग्लिश वी थिंक के अगर हम उर्दू में कहते हैं हो जाएगा तो इन इंग्लिश इट वुड बी डेफिनेटली अ फ्यूचर, लेकिन वो फ्यूचर टेंस नहीं होता बल्कि उस पर कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स अप्लाई होते हैं. तो वील डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेज. द फर्स्ट काइंड यू पीपल कैन सी ऑन द बोर्ड इज जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल में हम सोचते ऐसे हैं, हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि अगर पहला सेंटेंस फ्यूचर में है इसकी ट्रांसलेशन भी फ्यूचर में होगी. जैसे आप देखिएगा, अगर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी. वी वुड से लाइक if you will smoke your health will deteriorate. लेकिन ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि कंडीशनल जीरो कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशन के बाद अगले की गारंटी होती है कि ऐसा जरूर होगा. तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो प्रॉपरली करते हैं. आप देखिएगा कि इफ यू स्मोक, इसके अगर मैं उर्दू ट्रांसलेशन करूंगी तो वो ये होगी कि अगर तुम सिगरेट पियोगे, यानी मैंने कंडीशन ऐसी बताई जो कि फ्यूचर में होगी, लेकिन जब मैं उसे ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में तो दैट वुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. ये जीरो कंडीशनल का रूल है. जीरो कंडीशनल में हम हमेशा उर्दू में यही कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है. अब डिफरेंस क्या होता है जीरो कंडीशनल का बाकी सेंटेंस से, जो कि मैंने एस्पिरेंट्स की मिस्टेक देखी है हमेशा ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द एसेस, कि वो समझते हैं कि अगर हम फ्यूचर मतलब अगर ये नेक्स्ट आउटकम गारंटीड हो या गारंटीड ना हो फिर भी सिंपल प्रेजेंट लगाना है, ठीक है. बिगिनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन जो मेच्योर एस्पिरेंट्स है दे अंडरस्टैंड कि अगर यहां पर मैं कोई इनपुट दूं और इसके बाद मेरी आउटपुट या मेरा जो आउटकम होगा वो गारंटीड हो कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं उसे कहूंगी जीरो कंडीशनल, ठीक है. जबकि फर्स्ट कंडीशनल इससे डिफरेंट होता है. फर्स्ट कंडीशनल में गारंटी नहीं होती कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा. जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल दी कि इफ यू गो यू विल फील हैप्पी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप जाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं. देयरफॉर आई वुड से कि इफ यू गो दैट वुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यू विल फील हैप्पी इट इज इन सिंपल फ्यूचर. तो जीरो कंडीशनल में इसकी गारंटी होती है, लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये गारंटीड है कि ये होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी होती है. तो हम ये कहते हैं कि यहां पर 100% या 90-100% प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं होती. आप इसको सिंपली मैं ऐसे समझाती हूं कि जीरो कंडीशनल में इस काम के करने से इसकी 100% या 90% गारंटी होती है, जबकि फर्स्ट कंडीशनल में इसके करने से इसकी गारंटी 30-40% होती है. अब आप ये देखिएगा, एक मिनट, अब आप ये देखिएगा कि इसका और इसका सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम बोलते हुए तो यही कहेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन दैट वुड बी सिंपली इन सिंपल प्रेजेंट. जबकि यहां पर आपने सिंपल प्रेजेंट को इफ के साथ लगाना है और यहां पर सिंपल फ्यूचर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब आप देखते हैं, हम देखते हैं सेकेंड कंडीशनल. सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में क्या डिफरेंस होता है. सेकेंड कंडीशनल अनरियलिस्टिक रिजल्ट देता है. अनरियलिस्टिक रिजल्ट क्या होते हैं, यहां पर मैं आपको ये मेंशन करूं कि इफ आई इनहेरिटेड अ किंगडम, ये मैंने एक सिंपल पास्ट का जो है ना टेंस इस्तेमाल किया है, तो आई वुड ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड. यहां पर देखिएगा सिंपल पास्ट ये होगा और ऑक्सिलरी मोडल वर्ब ये होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है. इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, लेट माइट और ऑक्सिलरी मोडल वर्ब्स के डिफरेंट केसेस होते हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर दिस ये बिल्कुल ठीक रूल है ग्रामर का. यू कैन चेक इट कि यहां पर वुड या फिर माइट या जो भी है वही आएगा और यहां पर सिंपल पास्ट आएगा. अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स क्या होते हैं सेकंड कंडीशनल के, मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास ये होता या अगर मैं ये करती तो ऐसा हो जाता, ठीक है. इफ आई वर अ किंग तो ऐसा हो जाता, इफ आई वर अ क्वीन तो ऐसा हो जाता. यानी ऐसे अनरियलिस्टिक मतलब पहले ऐसी अनरियलिस्टिक कंडीशन हो जिसके रिजल्ट या आउटकम्स भी अनरियलिस्टिक हो, तो मैं ऐसे कहूंगी सेकेंड कंडीशनल. सेकेंड कंडीशनल फर्स्ट और जीरो से तो बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसमें विश हो सकती है, इसमें कोई काम हो सकता है कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो ऐसा हो जाता. देयरफॉर मेरा ख्याल है कि सेकेंड कंडीशनल आपको क्लियर होगा. अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल. यू पीपल कैन सी ऑन द बोर्ड. थर्ड कंडीशनल में डिफरेंट कंसीक्वेंसेस होते हैं हमेशा. यानी अगर मैं कहूं कि
अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ये काम हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इफ यू हैड स्टडीड तो यू कुड हैव पास्ड सीएसएस, तो इसका मतलब है ना आपने पढ़ा और ना ही आपने सीएसएस किया, तो देयरफॉर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूँ तो इसका मतलब है कि अगर ये काम हुआ होता तो इसके कंसीक्वेंसेस डिफरेंट होते। यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ये फर्क होता है कि कंडीशन तो यहां पर मेंशन की होती है, डेफिनेटली कंडीशन यहां पर मेंशन की होती है, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है कि हो सकता है कि मुझे किंगडम इनहेरिट हुआ, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन यहां पर ना ही इसकी पॉसिबिलिटी होती है ना ही इसकी, ना ही मैंने आपको बताया और ना ही आप वो काम कर सके, देयरफॉर हम कहते हैं कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई आप इससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मैं आपको डिस्कस करूंगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ना सिर्फ बिगिनर्स को गाइड करना था, बल्कि उन एस्पिरेंट्स को भी जो बहुत ज्यादा मेच्योर हैं एंड दे फील के हमें कंडीशनल सेंटेंसेस प्रॉपर आते हैं। ये इतने डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं कि इवन आई कैन मेक मिस्टेक व्हाइल राइटिंग, ना इतने इतने डिफिकल्ट होते हैं ये, तो इसलिए ये बेहतर है कि आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनके रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। ये उर्दू ट्रांसलेशन से डिफरेंट होते हैं कि अगर आप उर्दू में सोचें अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और आप वही अप्लाई करने की कोशिश करें तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इनके अपने रूल्स होते हैं और इनके रूल्स को अप्लाई करना होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इनकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली आप कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आई ट्राई टू टैकल इट एंड डील इट एज वेल। अपना ख्याल रखें, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह ने के पास।